हेलो एवरीवन, वेलकम टू शो मज़ाइस। मैं हूँ शिवांगी शर्मा। टुडे आई एम विद चैप्टर 5 ऑफ क्लास 11 इकोनॉमिक्स। सो तुमने लास्ट 4 चैप्टर तुम डिस्कस कर चुके, सो हियर इज चैप्टर 5। एंड चैप्टर 5 इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। हमने इंडिया में ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे किया। ह्यूमन कैपिटल चैप्टर हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब क्या है इस चैप्टर में वो पढ़ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट का। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच के जो लिंक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, ये हम आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है, जो हमारी एजुकेशन अटेनमेंट है उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। सो हियर इंट्रोडक्शन। ह्यूमन कैपेसिटी, हम और ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन कैपेसिटी जो स्टोर एंड ह्यूमन के पास, किसी भी आदमी के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो नॉलेज को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। नॉलेज को स्टोर करके रख सकता है और आने वाली जनरेशन या फिर अगर उसको आगे भी बढ़ाता है, ठीक है, कन्वर्सेशन के थ्रू, गानों के थ्रू, आगे भी उनको इलेबोरेट करता है कोई भी ह्यूमन, ठीक है। जैसे जो हमारे वेद हैं, वेद शुरू में तो नहीं लिखे गए ना, पहले तो वेदों को सुनाया जाता था पुराने टाइम में। जैसे वेदों को और जब ऋषि मुनियों ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुनाया, ऐसे सुनाते सुनाते जब पेपर का इन्वेंशन हुआ तब लोगों ने सोचा कि चलो इनको लिख देते हैं, और तब उसके बाद जो है वेद को लिखा गया। उससे पहले तो वेद सिर्फ ओरली बोले जाते थे, है ना। तो ऐसे ही हम ह्यूमन के पास एक कैपेसिटी होती है कि हम चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। उस ह्यूमन को हम और वो कर सकते, ह्यूमन के पास ना एक वो कैपेसिटी होती है कि वो अच्छी ट्रेनिंग करके, और उसके पास ना ह्यूमंस को अगर हम ट्रेनिंग और स्किल्स दे तो चीज़ें काफ़ी एफिशिएंटली हो सकती है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो चाहिए था अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग एफिशिएंटली करनी है कोई भी चीज़, ठीक है। एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन क्यों लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन एक काफ़ी बड़ा जो पॉलिश होता है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी में। सो एजुकेशन क्यों, एजुकेशन सिर्फ इसीलिए नहीं होता था कि हम चलो एजुकेशन लेंगे तो आगे जाके जॉब में लग के हायर अर्निंग कैपेसिटी बनाएंगे, बट इसके अलावा इसके कुछ और बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास सोशल स्टैंडिंग होती है, ठीक है, हमारा एक प्राइड होता है कि हाँ हम इतनी एजुकेशन हमने ली हुई है। उसके अलावा हमारे पास एक नॉलेज आ जाता है कि हमें कैसे चीज़ें चॉइसेस कैसे बनानी है, चीज़ें समझने का हमारे पास थोड़ा तरीका हो जाता है, ठीक है, नॉलेज पर जाता है कि चीज़ों को कैसे समझना है। उसके अलावा सोसाइटीज़ में भी हमें जगह मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जिससे इनोवेशंस बनी रहती है। उसके अलावा अगर एजुकेशन है, अगर एजुकेशन है लोग एडुकेटेड है तो लोगों को तो उसी के थ्रू और टेक्नोलॉजीज़ का भी अडॉप्शन होगा, लोग नई टेक्नोलॉजीज़ को भी अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बट इस ह्यूमन कैपिटल, जैसे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको हम फिजिकल कैपिटल में बना देते हैं। जैसे फिजिकल रिसोर्स है, सपोज लैंड हमारे पास एक फिजिकल कैपिटल है, उसको हम फिजिकल रिसोर्स बना देते हैं बाय सेटिंग अ फैक्ट्री ऑन इट, है ना, ठीक है। वैसे ही हम ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स तो हैं ही हमारे पास, उनको हम ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर सकते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, टीचर है, टीचर स्टूडेंट्स है, टीचर स्टूडेंट्स को सिखा रही है और स्टूडेंट्स आगे जाके इंजीनियर या डॉक्टर बनता है या कुछ भी बनता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल बन करके आएगा, है ना। तो इसीलिए हमारी, ये मैं लास्ट वीडियोज़ में भी बोल चुकी हूँ कि हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं, हमारे लिए एसेट है, ठीक है, ठीक है। एंड द फॉर्म ऑफ कम्पिटेंट पीपल हु हैव देमसेल्फ बीन एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड एज प्रोफेशनल एंड अदर प्रोफेशनल, ठीक है। हमारी सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं जो खुद भी इतना एजुकेट हुए, खुद भी ट्रेन लिया, प्रोफेसर बने और औरों को भी बना रहे हैं, है ना। अगर तो हमें ह्यूमन कैपिटल, हमें एक
अच्छे ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है ताकि हम और ह्यूमन कैपिटल बना सके। सपोज़ एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल है और आके वो उन स्टूडेंट्स को टीच कर रही है ताकि वो भी आगे जाके हमारी कंट्री के लिए कैपिटल बने, ठीक है। तो हमें ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत इसीलिए है ताकि हम और ह्यूमन कैपिटल भी बना सकें। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल तो है बट इसके सोर्सेज क्या है? इसका सबसे मेन जो सोर्स है वो है एडुकेशन। अगर कोई भी एडुकेटेड है तो उसको वो अपने आप ही ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें हेल्थ में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग चाहिए, माइग्रेशन चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। ये ह्यूमन फॉर्मेशन के कुछ सोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे एजुकेशन है वैसे हेल्थ भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनपुट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि देखो कोई बीमार आदमी या कोई अच्छा आदमी कौन ज़्यादा अच्छा काम करेगा? जो ठीक आदमी, ऑफ कोर्स जो ठीक आदमी है वही अच्छा काम कर पाएगा, जल्दी काम कर पाएगा। और जो सिक है, जिस पे जो भी ठीक नहीं है काम करने के लिए, वो इनपुट नहीं जनरेट कर सकता है ना। इसी के लिए तो जो हम अमाउंट, जो भी हम मनी स्पेंड करते हैं मेडिसिन के लिए, ठीक है, उनको हम क्यूरेटिव मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा सोशल मेडिसिन है, क्यूरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन, ये कुछ चीज़ें जिनके लिए हमें अमाउंट, अगर हम कोई अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, गुड सैनिटाइजेशन चाहिए और हेल्थ, मतलब ये हेल्थ एक्सपेंडिचर्स के कुछ फॉर्म है जो कि ज़रूरी है, जो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब ये जो हम एक्सपेंसेस इनके ऊपर कर रहे हैं ना हेल्थ सेक्टर के ऊपर, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही है, ठीक है। उसके बाद चाहिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सपोज़ कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसको कोई जॉब लग जाती है बट उसको पता भी तो होना चाहिए ना कि जॉब में करना क्या है, उसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। तो अगर कोई आदमी उस जॉब में ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके उसके लिए भी तो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर होगा ना, उसकी वो फॉर्म उस पर्सन के लिए भी तो एक्सपेंडिचर करेगी, वो तो आगे कर, तो वो सिर्फ वही रहा है ना, ट्रेनिंग ही कर रहा है। तो जो एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वो भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही सोर्स है। उसके बाद आता है माइग्रेशन, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? देखो रूरल एरिया है तो रूरल एरिया में ना एम्प्लॉयमेंट की कहीं ना कहीं कमी रहती है, इसलिए लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं, ताकि अब वो अर्बन एरिया में आएंगे तो उनको जॉब्स मिलेगी, जॉब्स मिलेगी तो वो भी ह्यूमन कैपिटल बन पाएंगे। तो माइग्रेशन में जो खर्चा आता है ना वो भी एक तरह का ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स ही है। अरे माइग्रेट जो है ना छोटे लेवल पर भी होता है, बड़े लेवल पर भी होता है, मतलब जो जैसे जो रूरल लोग हैं, जैसे जो लेबर्स है ना, वो भी तो माइग्रेट करते हैं जगह से जगह तक। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता है कि उनके एरिया पे काम नहीं है, उनको सफिशिएंट सैलरी नहीं मिलती, इसलिए वो और जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं, है ना। तो माइग्रेशन में भी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है, लिविंग आता है, वो भी एक तरह का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही है, ठीक है। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन। अब कोई भी चीज़ है तो हमें इंफॉर्मेशन भी उसकी एक्वायर तो करनी पड़ेगी ना, अगर मार्केट ही है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब चीज़ों के लिए भी हम इंफॉर्मेशन तो एक्वायर करते ही हैं, और उस इंफॉर्मेशन एक्वायर करने में जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसा कंट्रीब्यूशन देता है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है हमारी कंट्री में कोई भी, हमारी कंट्री में रियल नेशनल इनकम इनकम का इंक्रीमेंट। रियल नेशनल इनकम मतलब इस पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, ठीक है। तो जो भी हमारा रियल नेशनल इनकम में जो इंक्रीमेंट होता है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीमेंट है, ठीक है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, सपोज कोई हेल्दी पर्सन है और वो तो हमारी इकोनॉमिक के लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो इनकम कमा सकता है, क्योंकि वो उसके पास कोई भी एक इंटरप्टेड कुछ भी उसको बीच में ना बैरियर नहीं बनकर आएगा, क्योंकि वो हेल्दी है, इसलिए वो काफ़ी अच्छा वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में वो करेगा, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, इसलिए हेल्थ को भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बोला जाता है। उसके बाद आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी ज़रूरी है अगर किसी को ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, जॉब मार्केट होगी, इन्फॉर्मेशन माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें इंक्रीमेंट देती है, ठीक है, हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। इससे क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है साथ साथ में, जिससे हमारी इंडियन जो हमारी इकोनॉमी है, नेशनल इकोनॉमी, उसमें फ़र्क देखने को मिलता है, ठीक है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है।
कोई भी ह्यूमन कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ताकि वो लेबर प्रोडक्टिविटी हो, मतलब वो नई टेक्नोलॉजी को भी एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बेसिकली मतलब ग्रोथ देखने को मिलती है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। एम्पायरिकल एविडेंस टू प्रूव डैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इनकमिंग ग्रोथ इज रेड न्यूबिलिस। देखो, अगर ये ना हम मान नहीं सकते कि अगर इन ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीमेंट है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी होगी होगी, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना मेजरमेंट प्रॉब्लम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि टीचर पीपल रेशियो कितना है क्लास में, किसी स्कूल में, ठीक है, टीचर्स कितने हैं, पढ़ाने वाले कैसे हैं, उस टीचर को पर्टिकुलर जितना वो मतलब जितनी वो सैलरी उसको वो डिज़र्व करती है उतनी उसको सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, फिर हेल्थ सर्विसेज है, मोर्टैलिटी रेट्स है, ये सारे कुछ एक्सेप्शंस बनकर आ जाते हैं। देर इज अ कन्वर्जेंस इन मेजर ऑफ ह्यूमन कैपिटल बट नो साइन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम। पर कैपिटा रियल इनकम को ना हम थोड़ा मतलब मेजर करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जा सकती है। इन द अदर वर्ड, ह्यूमन कैपिटल जो है वो डिपेंड करता है, मतलब ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ जो है वो हमारी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री की ग्रोथ को ना और फास्ट करता है, बट जो पर कैपिटा इनकम है ना वो इतनी फास्ट हमें देखने को भी नहीं मिली, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ में हमें ना थोड़ी मतलब जल्दी काफ़ी फास्टर जो है वो ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी जल्दी फास्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट पर कैपिटा इनकम में नहीं देखने को मिल रही, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन बन जाता है, ठीक है। अब इंडिया में, इंडिया जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल में, स्पेशली इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है, पहले से, क्योंकि जो हमारा 7th 5-year प्लान था उसमें बोला गया था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ नेसेसरी टू बी असाइंड अ की रोल इन एनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पर्टिकुलरली इन अ कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। अब ट्रेंड और एजुकेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, ताकि किसी एक एक ना हमें डायरेक्शन मिल, जो हमारी डिज़ायर्ड डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम लोग चले, ठीक है, इसके लिए हेल्थ और एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रोथ, हमारे सेक्टर में कैसे कैसे ग्रोथ देखने को मिली हमें, ठीक है, देखो यहाँ पे ये ईयर्स है पर्टिकुलर्स। अब देखो रियल कैपिटा इनकम, अब हमारा जो 1951 में रियल कैपिटा इनकम था वॉज 7,651, और 2016-17 में इट वॉज 77,659। यहाँ देखो लिटरेसी रेट से शुरू करते हैं। 1951 में जो हमारा लिटरेसी रेट था वो 16.67, 1981 में 43, 1991 में 852, 2001 में 65, और 16-17 में 76, मतलब 76% लोग ही लिटरल है अभी तक, 76% लोग ही पढ़ रहे हैं अभी तक हमारी कंट्री में, ठीक है, अराउंड 24% अभी भी अनपढ़ है। उसके बाद आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब देखो फीमेल जो है वो 37 है, फीमेल का है 36। आज के टाइम पे देखें हम 26-7 में, तो मेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67 और फीमेल का है 70%, ठीक है। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट 146 इन 1951 एंड 33 इन, ये एज पर होता है मतलब कितने बच्चे मरते हैं, ठीक है, एज पर 1000 पर ईयर सिर्फ 33, ठीक है। क्रू डेथ रेट 25.1, 6.3, ठीक है। अब है रियल पर कैपिटा इनकम, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो ग्रोथ इन ईच सेक्टर प्रोबेबली हैज़ रीइन्फोर्स्ड द ग्रोथ ऑफ एवरी अदर सेक्टर, है ना, कोई भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट है तो वो बाकी सेक्टर्स को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता ही करता है। फिर जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें कुछ रैपिड चेंजेस भी लाए गए, ठीक है, जैसे जो काफ़ी मतलब जो हमें टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिली, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखने को मिला, काफ़ी जो अनस्किल्ड जॉब्स थे उनको वर्ल्ड वाइड मतलब मशीन्स ने कवर कर लिया है ना ज़्यादातर, जब बड़ी मशीन्स इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब स्किल्ड वर्क फोर्स की ज़रूरत थी, ठीक है, पर्टिकुलरली जिसमें मैथ्स हो, कंप्यूटर साइंस हो और डाटा साइंस हो, ठीक है, ये सारी के लिए तो एक स्किल्ड वर्क फोर्स की ज़रूरत ही ज़रूरत है। इन कंजक्शन विद मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज अक्रॉस द साइंस एंड सोशल साइंस, जिसमें ह्यूमैनिटीज इंक्लूडेड है उसमें भी ज़रूरत है, उसके अलावा जिसमें हमें चाहिए जैसे पर्टिकुलरली जैसे बायो है, केमिस्ट्री है, इन चीज़ों के लिए न्यू स्किल्ड लेबर की ज़रूरत थी, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट में तो डिमांड, ह्यूमैनिटीज़ और डिमांड आर्ट के लिए डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है और अभी भी काफ़ी बढ़ रही है, ठीक है, डेवलप कर
ठीक, हमारी कंट्री जो है वो अमंग थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमीज, दो वर्ल्ड की जो थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसके ना उनमें आ गई है अब के टाइम पे, तो थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ चुकी है हमारी कंट्री। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? मैक्सिमम ऑफ आप लोग यही बोलोगे कि ये दोनों तो सेम ही चीज़ होती है शायद, बट नहीं, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क है। देखो, जो ह्यूमन कैपिटल है वो कंसीडर करती है हेल्थ और एजुकेशन को एज अ मीन्स, ठीक है, जो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, बट जबकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एजुकेशन और हेल्थ को इस तरह से डिवाइड, इस तरह से वो बना देता है कि उससे लोगों की ना एक वेलबींग बन जाए, और लोगों के पास जब एक एबिलिटी आ जाएगी ना कि वो पढ़ने लिख पढ़ेंगे, पढ़ने लिखने लग पड़ेंगे और एक हेल्दी लाइफ जीने लग जाएंगे, और उनको ये पता चल जाएगा कि उनके चॉइस क्या है और क्या वैल्यू है चीज़ों की, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल है सिर्फ एक सब्सटेंस की, ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन है जिससे हम लोग, जो ह्यूमन कैपिटल है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट बताता है कि कैसे लोगों का रहन सहन का तरीका भी बदलता है, ठीक है, इम्प्रूव होता है। देयरफॉर बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ आर इम्पॉर्टेंट इन देमसेल्व्स इरिस्पेक्टिव टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। हाँ, जो एजुकेशन और हेल्थ है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, वो तो चाहिए चाहिए, उसमें हमें लेबर प्रोडक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन को अगर हम ध्यान नहीं भी दें, बट फिर भी ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अगर डेवलप होना है तो। स्टेट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब देखो, कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन यही तो होगा, ठीक है, इन ये सब, इन सभी भी आप थोड़ा सा ध्यान दो, इनमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, तो ये हमारी कैपिटल फॉर्मेशन है, हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, सभी का यही मेन मोटिव है कि वो हमारी जो जो कैपिटल फॉर्मेशन है उस पर ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करें, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंशन द फंक्शन टू बी कैरिड बाई हर एक लेवल गवर्नमेंट का, हर एक गवर्नमेंट का लेवल ये सारे फंक्शन को कवर करेगा, ठीक है, एजुकेशन हो या हेल्थ हो, दोनों को सिमल्टेनियसली आगे ले जाया जाएगा बाय थ्री टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के तीनों टीयर्स बराबरी में इनको लेके चलेंगे, ठीक है। हमें ये तो पता है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों चीज़ें ओन करती है, ठीक है, जैसे स्कूल्स है, स्कूल्स में भी आप देखोगे आधे प्राइवेट स्कूल्स भी है, काफ़ी काफ़ी पब्लिक स्कूल्स भी हैं, है ना, जिनका मेन मोटिव क्या है, इनका तो बस मेन मोटिव यही है कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको हम थोड़ा डेवलप कर सकें, है ना। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जो गवर्नमेंट, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है ना, वो तो गवर्नमेंट तो ओन करती है, तो गवर्नमेंट का उन पर एक व्यू होता है, जबकि जो प्राइवेट है, जो प्राइवेट सेक्टर है उन पे कोई ध्यान नहीं देता, है ना। और प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भी चार्ज कर सकता है ना, या फिर कौन सा, अगर सपोज स्कूल ही है तो उन स्कूल में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब कुछ मैनेज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके लिए ही गवर्नमेंट ने ऐसे सिचुएशन में जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी एक एक वो बन मिल जाए कि मतलब किसी की भी मोनोपोली नहीं आ रहे, है ना, तो ऐसे में एक वो फॉर्म बनाने के लिए अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में हम देखें तो NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फिर UGC विच इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, IECTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, है ना, ये इंस्टीट्यूट करेगा, ये एजुकेशन सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है। अगर हम हेल्थ सेक्टर में देखें तो आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, लाइक नेशनल मेडिकल कमीशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विच इज़ ICMR, जो कि हेल्थ सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया विद अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉवर्टी लाइन, मतलब जब हमारी इतनी बड़ी एक पॉपुलेशन है तो कितना बड़ा एक जो इतना बड़ा पार्ट है वो ना पॉवर्टी लाइन के अंदर ही है, उनको बेसिक केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है ना, तो उसके लिए हम जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है वो फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करवाती है ना, ये चीज़ तो आपको पता ही है कि चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा एजुकेशन को, सारे जो एजुकेशन है, फिर हेल्थ सेक्टर, उनको ना फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी लिटरेसी, एटलीस्ट जो लिटरेसी का रेशियो है ना उतना तो लोगों में हो। अगर पुअर लोग हैं, सपोज़ पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलती है ताकि वो
यू नो, अगर उनको फ्री एजुकेशन मिल रही तो उनके पास नॉलेज होगी कि कैसे काम करना है और कैसे चीज़ें बढ़ानी है। ठीक है, अब हम एजुकेशन सेक्टर का पढ़ लेते हैं, इंडिया का एजुकेशन सेक्टर। ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हमारी जो टोटल, मतलब हमें कैसे डिस्कस करना है कि कितनी ग्रोथ है हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, उसके ना दो मेन वेज होते हैं। ये पता करना है कि टोटल गवर्नमेंट एक्स परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरा है कि जीडीपी में कितना, मतलब जीडीपी का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट होता है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स द, हाँ मतलब कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, सपोज कोई भी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है किसी भी सेक्टर में। सपोज गवर्नमेंट हेल्थ या फिर एजुकेशन सेक्टर में कितना चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है वो डिपेंड कर, वो बताता है कि उनके लिए ये दो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, सपोज कोई भी गवर्नमेंट है उसके पास, उनके पास सपोज, ठीक है, हम 100% का ले लेते हैं कि 100% का जो रेवेन्यू है उसमें, सॉरी 100% जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसमें से 75% वो बचा के रखा है गवर्नमेंट ने किसी और चीज़ों के लिए। सपोज ये जो 70% 5% है ये गवर्नमेंट ने लगा के रखा है रेलवेज के लिए। ठीक है, रेलवेज और जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए लगा के रखा है ये चीज़। ओके, 75 में से 25% बचा है ना, उसमें से भी जो 15% है वो एजुकेशन में लगा हुआ है और 10% लगा हुआ है हेल्थ सेक्टर में। तो इसका मतलब ये है कि रेलवे और ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा कंसर्न है गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम दीज टू, है ना। तो इसलिए हम ये पता चल जाता है कि गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है, उससे हमें उनकी इम्पोर्टेंस पता चल जाती है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर ध्यान कितना दे रही है ना। सो, ये देखो, 1952 से 2014 तक एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर था उसका परसेंटेज में थोड़ा इंक्रीमेंट है। 1952 में इट वाज 7.92 ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर परसेंट, एंड 2014 में इट वाज 15.7%। जबकि जीडीपी का इंक्रीमेंट हम देखें तो 1952 में इट वाज 0.64 और 2014 में इट वाज 4.13। ठीक है, अब जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, वो ज़्यादातर जो टोटल एजुकेशन का शेयर है वो ज़्यादातर एलिमेंट्री एजुकेशन में चला जाता है, और जो हायर और टर्शियरी एजुकेशन का सेक्टर है ना वो कम रह जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्टर पे अभी हम ज़्यादा ध्यान देंगे, अगर लोग प्राइमरी सेक्टर पे पढ़ रहे हैं तभी तो वो जाके आगे हायर एजुकेशन तक जाएंगे, है ना। उसके अलावा जो जो टर्शियरी एजुकेशन है उसका एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वो एलिमेंट्री से भी ज़्यादा है। ठीक, जैसे हम स्कूल एजुकेशन को एक्सपेंड करते हैं हमें और टीचर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, है ना। तो और टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी तो सैलरी जाएगी, उनको भी तो पे जाएगी, तो उसके लिए भी तो मनी की ज़रूरत है। ठीक है, 2014-15 में जो पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर था ऑन सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन में डिफरेंट स्टेट्स का मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में इट वाज रुपीज़ 34,651 और बिहार में सिर्फ 4,088 पर पर्सन। ठीक है, पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो देखो हिमाचल में इतना सारा और बिहार में सिर्फ इतना सा, इसका एक मेन हो सकता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट उसको इधर नहीं देखे तो हम यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं कि हिमाचल गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दे रही है एज़ कम्पेयर टू बिहार। ठीक है, सो अब जो द इनएडिक्वेसी ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एजुकेशन इफ वी कंपेयर विद द डिजायर लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज मोस्ट रिकमेंडेड बाय द वेरियस कमीशन। तो 1964 से 66 तक हमने ये रिकमेंडेशन आया था कि एटलीस्ट 6% ऑफ द जीडीपी वो एजुकेशन सेक्टर में होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। उसके बाद जो मजुमदार कमेटी आई, उन्होंने जो 1990 में अपॉइंट की थी गवर्नमेंट ने, उसका जो मेन एक्सपेंडिचर बता रहा था 10 ईयर का वो 1.37 लाख करोड़ 10 साल के लिए, विच वॉज 1998-1999-2006-7। ठीक है, जिसमें से 16 to 14 बच्चों को स्कूल का फ्री स्कूल और एजुकेशन फ्री कर दी और कंपलसरी भी कर दी। ठीक है, 6% जबकि 6% की ज़रूरत थी, अभी सिर्फ 4% ही बन रहा है। ठीक है, 2% की अभी भी कमी है।
ठीक है, तो इनएडिक्वेट आ रहा है 6% का गोल, तो अभी तक हम रीच ही नहीं, मतलब पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद राइट टू, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बना, जिसमें फ्री एजुकेशन और फंडामेंटल राइट बनाया गया 6 से 14 साल के बच्चों तक के लिए, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्ट लेविंग, जो 2% था उस पर भी यूनियन टैक्स से हम लोगों ने एजुकेशन सेस लेना शुरू कर दिया, ताकि हम वो 2% भी पूरा कर सकें। ठीक है, ताकि हम एलिमेंट्री एजुकेशन पे थोड़ा सा पे कर सकें। अब यहाँ पे देखो एजुकेशन अटेनमेंट, यहाँ से हम एक ग्राफ में पढ़ लेते हैं, ठीक है, चीज़ें समझ आएगी। जो एडल्ट लिटरेसी रेट है 15+, मेल का 1990 में मेल का है 61.9 और फीमेल का, तो इतना गंदा रेट है, विच इज 60 37.9, 2000 में 68.4, 45.4, 11 में 79 59, और 2017-18 में 82 66, है ना। प्राइमरी कंप्लीशन रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट को हम देखें तो मेल और फीमेल का है, मेल का है 78, फीमेल का है 61, ये वो है, ठीक है, जो हमारा 6 to 14 की एज है, ये प्राइमरी एजुकेशन है। ठीक है, 85 69, और 2011 में 92 94, 17 में 93 और 96, ठीक है, अच्छा रेट है यहाँ पे, बट इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है। यूथ लिटरेसी रेट में हमें चाहिए जो 15+ और 15+ से लेके 24 था, मेल और फीमेल में 76.6 और फीमेल का है 54.2, और अभी हम देखें तो 93 है मेल का और 90 है फीमेल्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो क्या क्या एजुकेशनल अचीवमेंट्स हुई इंडिया में। ठीक है, इन टर्म ऑफ एडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी एजुकेशन कम्प्लीशन रेट इन यूथ इंक्रीज, इसमें ना आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा लास्ट 2 डिकेट्स में। अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा ये वाला टेबल था, तो इंक्रीमेंट है हर चीज़ में, हमारी इंक्रीमेंट दिख रही है हमें, है ना। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर के क्या क्या प्रोस्पेक्टस हैं, हमने फ्यूचर के लिए क्या क्या सपने देख के रखे हैं हम लोगों ने, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल, हर एक आदमी के लिए एजुकेशन, ये अभी भी एक ड्रीम ही है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 25% लोग अभी भी इलिटरेट है कंट्री में, है ना। इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, फिर भी लोग पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक इतनी छोटी सी बच्ची है जिसको अभी स्कूल में पढ़ के पढ़ना होना चाहिए था, वो अभी लकड़ियाँ उठा रही है, तो उसका कितना ह्यूमन कैपिटल वेस्ट हो रहा है ना, कितना ह्यूमन कैपिटल हमारा वेस्ट हो रहा है। ये एक बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 6 से 14 साल के अंडर हैं, बट फिर भी वो स्कूल नहीं जाते, काम कर रहे होते कहीं पर, ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो रहा है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की है 16 साल तक की उम्र तक, है ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट ये चाहता है। उसके बाद आता है जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी में थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, जैसे हमने ऊपर ग्राफ में पढ़ा कि पहले के टाइम पे ना औरतें तो बिल्कुल ही नहीं बाहर निकलती थी घर से, गवर्नमेंट औरतों का और कोई काम ही नहीं होता था घर का काम संभालने के बावजूद अलावा, बट अब वुमेन और मैन दोनों बहुत ही लेवल तक इक्वल हो गए हैं और इक्वली काम करते हैं, है ना। हायर एजुकेशन, अब देखो द इंडियन एजुकेशन एक पिरामिड है, देखो मतलब एक पिरामिड है। अब ऐसा है कि जितनी हायर एजुकेशन है उतने कम लोग वहाँ तक जा रहे हैं, जो लोअर एजुकेशन है ना वो तो मैक्सिमम लोगों ने लिया हुआ है, और जितनी हायर एजुकेशन जा रही है उधर इतने कम कम लोग होते जा रहे हैं। ठीक है, जो NSSO का डाटा है उससे ये पता चलता है कि 2011-12 में जो रेट है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है मेल्स का, जो कि ग्रेजुएशन तक कर चुके हैं रूरल एरिया में, इज़ 97%। ठीक है, और अर्बन एरिया में ये है 16%। ठीक है, फीमेल का ये सेम है 30% इन रूरल एरिया। बट अब देखो जो लोग सिर्फ प्राइमरी लेवल तक एजुकेटेड है, प्राइमरी लेवल मतलब सिर्फ जिन्होंने सिर्फ स्कूलिंग करी हुई है, ठीक है, वो सिर्फ 3 to 6% है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो लोग ग्रेजुएटेड है ना उनकी एक अपनी डिग्निटी होती है कि हम कोई भी ऐसे काम नहीं करेंगे, एक अच्छी पे मिल वाली काम करेंगे, जबकि जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन करी है उनका तो वो होता है कि अगर वो लेबर का काम मिले तो लेबर का कभी भी काम कर लेंगे, कहीं फैक्ट्री में काम करने को मिले वो भी कर लेंगे, है ना। फिर अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, तो इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स से ही हमारी इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स आएंगे, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को हमें और पॉलिश करने की ज़रूरत है, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को और स्प्रेड करने की ज़रूरत है पूरी कंट्री में, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सो हियर डेट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल।
थैंक यू वेरी मच।